lecture we have been our words meaning and question answers. Today we are going to start unit number 4 natural disasters, and today we have poetry wedding in the flood. First of all we will do answer these questions. And question number 1 is, what is the bride thinking as she is carried through the rain? जो दुल्हन थी वो दरिया से गुजरते हुए क्या सोच रही थी? The bride is thinking that her palanquin is very dark. लड़की की जो दुल्हन थी वो सोच रही थी कि उसका palanquin है वो बहुत ज़्यादा dark है. Its roof is leaking and even her feet have become wet. यहाँ तक कि जो उसकी छत है वो टपक रही थी और उसके पानी जिसके पांव थे वो भी गीले हो चुके थे. What sort of person her husband is? और वो सोच रही थी कि उसका शौहर किस किस्म का इंसान है. The question number 2 is, what does the bridegroom's father think of his new daughter-in-law and her dowry? Dowry बोलते हैं जहेज को. जो दुल्हे का बाप था वो अपनी बहू के बारे में और उसके जहेज के बारे में क्या सोच रहा था? The bridegroom father is thinking that the bride's parents have not given them anything that can be useful to them as dowry. जो दुल्हे का बाप था वो सोच रहा था कि दुल्हन के माँ बाप ने, दुल्हन के वालदैन ने उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जहेज के में जो कि उनके इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल के तौर पर उनके लिए हो. दे हैव ओनली गिवन द थिंग्स दैट द ब्राइड शैल यूज. उन्होंने सिर्फ वही चीज़ें दी हैं जो दुल्हन के इस्तेमाल की थी. ही इज अफ्रेड ऑफ द रिवर ऑल्सो. और इसके अलावा वो दरिया से भी खौफ ज़दा था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फियर्स ऑफ द ब्राइडग्रूम्स फादर कंसर्निंग द रिवर क्रॉसिंग. दुल्हे के बाप को दरिया क्रॉस करते हुए क्या शक शुभात थे या वो क्या सोच रहा था, किस बात से वो कंसर्न था? ब्राइडग्रूम फादर्स डिड नॉट लुक ऑफ द रिवर. ब्राइड दुल्हे का बाप था वो खौफ की वजह से दरिया की तरफ नहीं देख रहा था. व्हेन ही क्रॉस्ड इट इन द मॉर्निंग. जो दुल्हे का बाप था वो सुबह दरिया अबूर करते हुए दरिया की तरफ नहीं देख रहा था. द रिवर इज स्वेलिंग अप एंड ही इज अफ्रेड ऑफ इट. जो दरिया था वो बढ़ता जा रहा था, मतलब जो उसका पानी था ना उसका लेवल बढ़ता जा रहा था, दरिया उभरता जा रहा था और वो इस बात से खौफजदा था. इन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज द फेरीमैन वेटेड फॉर द वेडिंग पार्टी इवन दो द रिवर इज स्वॉल. फेरी बोलते हैं बड़ी सी कश्ती को और फेरीमैन बोलते हैं जो उस कश्ती को चलाने वाला जो होता है. कश्ती जो चलाने वाला था वो वेडिंग पार्टी में किसका इंतज़ार कर रहा था? इवन दो द रिवर इज स्वॉल, जब तक यहाँ तक के दरिया जो था वो भी बढ़ता जा रहा था. द फेरीमैन हैज वेटेड फॉर द वेडिंग पार्टी इन होप ऑफ अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी. वो जो फेरीमैन था वो वेडिंग पार्टी का इस उम्मीद से इंतज़ार कर रहा था कि इसके ज़रिए वो कुछ जायद जो है वो पैसे कमा सकेगा. द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेडिंग पार्टी. वेडिंग पार्टी के साथ क्या हुआ? आंसर, द होल पार्टी वॉज थ्रोन इन द रिवर. जो सारी पार्टी थी वो दरिया में गिर गई. ओके क्लास, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे. आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है क्लास. नाउ वी विल डू वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस. आवर फर्स्ट वर्ड इज फेरी, दैट मीन्स अ लार्ज बोट, बहुत बड़ी कश्ती. आई एंजॉयड द जर्नी ऑफ फेरी अलॉट. जर्नी बोलते हैं सफ़र को. मैंने फेरी के सफ़र का बहुत मज़ा उठाया या मुझे बहुत मज़ा आया फेरी का सफ़र करके. बुलॉक, अ यंग बुल, नौजवान बुल बैल को कहते हैं. देर वॉज अ ब्यूटिफुल बुलॉक इन द मार्केट. मार्केट बाजार में बहुत खूबसूरत नौजवान, मतलब यंग बुल है, मतलब नौजवान बैल है. थर्ड वन इज लिक, दैट मीन्स पास द टंग ओवर समथिंग. लिक बोलते हैं
किसी चीज को चाटने को बोलते हैं, यानी जुबान फेरना. द कैट लिक्ड हिज इट्स फर, जो बिल्ली अपनी फर को, जो उसके बाल हैं उसको वो चाट रही थी. फोर्थ वर्ड इज डिसजॉर्ज, दैट मीन्स पोर आउट. अमजद इज डिसजॉर्जिंग इज एंगर, अमजद अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं. द लास्ट वन इज कोए, दैट मीन्स शाई. शी इज कोए गर्ल, वो एक शर्मीली लड़की है. ओके क्लास, ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें, अपनी कॉपी पर नीट कर लिखें. थैंक यू क्लास.